हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल जुबेरी। इस वक्त हम मौजूद है कुर्ला वेस्ट, कुर्ला ईस्ट में, नेहरू नगर के एरिया में। और आज का हमारा जो वीडियो है मेडिसिन के ऊपर है, जो कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जनता के लिए। जैसे कि मेडिसिन हर एक के घर में ज़रूरत पड़ती है, कभी भी ज़रूरत पड़ती है, और उसको लेकर हम मेडिकल स्टोर पे आए। खेमानंद जेनरिक मेडिकल स्टोर है ये। यहाँ पे हम मेडिसिन के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, और किस तरह का मेडिसिन का सेल होता है, पैसे को लेकर खेल होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं मेडिकल स्टोर में और मालूमात लेते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मैडम करिश्मा शुक्लगा, करिश्मा जी, और आपका नाम सर? सूरज सालुंके। सूरज सालुनकर। ये खेमानंद मेडिकल स्टोर है, जेनरिक मेडिकल स्टोर है। यहाँ पे हम सूरज भाई के बुलाने पर ही आए, इनसे कुछ मालूमात लेना चाहते थे मेडिसिन के बारे में। तो आइए इनसे मालूम ले करते हैं कि जेनरिक मेडिकल मतलब मेडिसिन है, इसमें और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो स्टैंडर्ड जो मेडिसिन होते हैं वो कौन से होते हैं और जेनरिक कौन से होते हैं? जो स्टैंडर्ड होते हैं वो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, और जेनरिक मेडिकल मेडिसिन रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाते हैं। अगर डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब भेजते हैं तो उसमें ज़्यादा हायर MRP का प्रोडक्ट रहता है। तो हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि ये हायर प्रोडक्ट है, ये लो बजट का दे दूँ क्या? नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब कैसा है कि आम जनता को कैसे मालूम पड़े जेनरिक का और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? वो हम ही बता सकते हैं कि ये ब्रांडेड है, इसका MRP अच्छा, हायर मतलब है। जो ब्रांडेड रहते थे हाँ जैसे सिप्ला कंपनी हो गई, हाँ दूसरी कंपनी है। सिप्ला का कंपनी का भी जेनरिक मेडिसिन निकाला है उन्होंने, क्योंकि तो आम जनता हायर प्रोडक्ट ले नहीं सकती, तो जेनरिक प्रोडक्ट में भी सिप्ला का ब्रांड है, अवेलेबल है, तो डॉक्टर लोग ले डिफरेंस क्या होता है, इसके प्राइस में डिफरेंस होता है या किस चीज़ में प्राइस डिफरेंस? में ज़्यादा डिफरेंस रहता है। प्रोटेनिक्स पाउडर है जिसका प्राइस MRP है 300 रुपया, ये स्टैंडर्ड कंपनी का है, 300 रुपये में आता है। और उसके अपोजिट में ये जेनरिक का प्रोडक्ट होता है जो सिर्फ 100 रुपये में आता है, मतलब तकरीबन 200 रुपये का डिफरेंस होता है। तो जेनरिक और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब वो ब्रांडेड कंपनियां जो अपना एडवर्टाइजिंग करती है, जिनके MR वगैरह मार्केट में घूमते हैं, उसी का सब चार्ज ऐड करके उसमें इन लोग अपना प्राइस हायर करके देते हैं। तो मैडम, ये जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं इन लोग, तो इन लोग जेनरिक का लिखते हैं कि नहीं? क्यों? नहीं, जेनरिक का नहीं लिखते, वो ब्रांडेड ही लिखते हैं, क्योंकि MR लोग उनके पास जाते हैं, वो प्रोडक्ट का लिस्ट देते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो डॉक्टर लोग वही प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो तो डॉक्टर के जेनरिक जैसे अभी प्राइवेट कंपनी के जो एडवर्टाइजिंग करती है कंपनी, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव MR वगैरह रखते हैं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके, उनको सब बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बताते बारे हैं में, प्रोडक्ट के बारे इसलिए डॉक्टर लिख के में। हाँ देते हैं। वही तो क्वेश्चन। मैडम, ये जो जेनरिक का आप कोई मेडिसिन एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, कोई भी मेडिसिन, और जो जेनरिक का रहेगा, एक स्टैंडर्ड और एक जेनरिक बताइए। ये ऑगमेंटिन 625 है, तो ये मेडिसिन हमारे पास से बहुत जाता है, लेकिन इसकी प्राइस हायर प्राइस है, 201 रुपया, ये लेकिन स्टैंडर्ड कंपनी का। स्टैंडर्ड कंपनी का है ओके। ये। GSK ये एंटीबायोटिक टाइप है, तो नॉर्मली एंटीबायोटिक सब लोग लिखते हैं, तो ये आने पे हम लोग उनको जेनरिक मेडिसिन कंसल्ट करते हैं। अच्छा, मेडिकल पे जब हाँ मेडिकल पे कस्टमर जब आते हैं आए तो आप हाँ उनको जेनरिक तो का बोलते करते हैं? हैं कि सेम कंटेंट है, सेम एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लायोनेट, एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लायोनेट सेम कंटेंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, सेम है, खाली कंपनी अलग है। ये इंटास कंपनी का आएगा और इसकी प्राइस 109 रुपये में आपको आएगा जेनरिक वो मेडिसिन। 109 रुपये का, और हाँ ये ये 201 रुपये का है। 201, मतलब ऑलमोस्ट 50% हाँ 50% डिफरेंस लेस है। है। तो हाँ अगर आप लोग ऐसा स्पेशली जेनरिक को कुछ कैसा प्रमोट करते हैं? प्रमोट मतलब अभी तुम मेरे पास कस्टमर हो के आए हो, तो अभी ये देखो मोनसेलेल से डॉक्टर ने मोन्टेकेल से लिख के दिया, तो मैं आपको जेनरिक का चाहिए कम दाम में, तो मैं वही सेम कंटेंट देख के, वही सेम पावर देख के आपको बेच सकता हूँ। इसका साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं रहने वाला है ना, तो आपको बराबर सेम कंटेंट्स वाला, सेम पावर वाला दिया तो आप ले सकते हैं ना, इसलिए सेम कंटेंट्स और सेम पावर का दिया तो नो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो प्राइस का डिफरेंस होता है जेनरिक में, होती सो दोनों सेम मेडिसिन से है, सिर्फ कंटेंट भी सेम होता है, और स्टैंडर्ड कंपनी का प्राइस हाई होता है और जेनरिक का लो होता है, बराबर? स्टैंडर्ड का इतना हाई क्यों होता है? हाँ, वो ज्यादा मार्केटिंग हो रहता है ना, उसके उसके पीछे मार्जिन नहीं रहता है। पहली बार वो MR लोग को पैसा देता है, MR के बाद डॉक्टर को भी जाता है थोड़ा मार्जिन पास,
इसलिए उसका मार्जिन कम रहता है, इसलिए वो MRP ज्यादा रहता है, उस पर मार्जिन कम रहता है ना, इसलिए वो नहीं देते। जेनरिक में डायरेक्टली कंपनी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डायरेक्ट मेडिकल में आता है, इसलिए उसका जो ये रहता है ना मार्केटिंग हुआ नहीं रहता है। सेम तो सेम प्रोडक्ट वही रहता है, पावर सेम रहता है, वही रहता है, काम वही करता है, लेकिन उसका एडवर्टाइज और मार्केटिंग नहीं हुआ, इसलिए वो कम प्राइस में बेचते। तो जो मेडिकल का जो मार्जिन रहता है वो प्राइवेट कंपनी में जो स्टैंडर्ड कंपनी है उसमें ज्यादा है या जेनरिक में? जेनरिक में ज्यादा है ना, आपको मतलब जेनरिक में थोड़ा बेनिफिट भी मिलता है मेडिकल? हाँ, जेनरिक में बेनिफिट मिलता है। हम ज्यादा से ज्यादा हम 20% मार्जिन रख के कस्टमर को बेच देते हैं, हम कस्टमर को 20-80% डिस्काउंट देते हैं इधर। तो ये साफ बात ये है कि जो स्टैंडर्ड कंपनी के जो मेडिसिन होते हैं उनका प्राइस जैसे 200-300 रुपया होता है, तो MR होते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसके अलावा कंपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह करती है, और प्राइवेट कंपनी होती है जिसके वजह से उनके प्राइस हाई से हाई होते जाते हैं, और सेम कंटेंट का सेम मेडिसिन जेनरिक में होता है और उसका कोई MR या एग्जीक्यूटिव वगैरह डॉक्टर्स के पास जाते नहीं है एडवर्टाइजिंग के लिए या उनको रिकमेंड करने के लिए कि आप ये पेशेंट को लिख के दो, ये डायरेक्ट कंपनी से डीलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे आता है। इस बीच में कोई मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होते कंपनी के, जिसके वजह से प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो हम लोगों से यही, आम जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डॉक्टर के पास अगर जाए तो जेनरिक मेडिसिन लिखने के लिए उसे कहे, ताकि आपका जो अपना पैसा है उसमें आपकी बचत हो सके। 1000 रुपये की चीज आपको 200 रुपये में मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, वही 1000 रुपये वाला स्टैंडर्ड कंपनी का मेडिसिन आपको जेनरिक में 200 रुपये में मिलेगा। उसमें कंटेंट में सेम रहेगा, हर चीज उसका इफेक्ट सेम रहेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो में मतलब आपको लगता है कि जनता के लिए बेनिफिट है, इससे जनता को फायदा पहुंच सकता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कैमरामैन जिशान शेख के साथ मैं इकबाल जुबेरी, डोंगरी एक्सप्रेस।